हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलस्टेरर। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है, ठीक है, उसका जो टाइम फ्रेम है, अपन 5 मिनट पे आज ट्रेड लेने वाले हैं। क्योंकि आपके लिए, आप सभी के लिए देखो, न्यू कंटेंट होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो अपन ने ट्रेडिंग की है, मार्केट को एनालाइज किया है, तो ओनली 1 मिनट के अंदर किया है। ठीक है, तो आप सभी की जो डिमांड थी कि सर हम 1 मिनट के अंदर है ना लॉस कर जाते हैं, क्योंकि मार्केट 1 मिनट के अंदर बहुत रिस्की होता है एनालाइज करना मार्केट को। ठीक है, तो देखो कभी 1 मिनट के अंदर एंट्री पॉइंट से लॉस हो जाता है, तो इस रीज़न से मैंने एक 5 मिनट के लिए सोचा कि 5 मिनट में भी अपन मार्केट को एनालाइज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपन हॉरिजॉन्टल्स लाइन है, उनको ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे मार्केट में। ठीक है, और मैं कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट का, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता हूँ। ओके, ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे देखो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, देखते हैं मार्केट। ओके, 2 या 3 मिनट, ओके, 3 मिनट हो चुका है मार्केट का। देखते हैं, अपन कोशिश करते हैं, बीच में कुछ ट्रेड मिलती है तो अपन 2 मिनट की या 3 मिनट का लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, देखते हैं। ओके ठीक है गाइज, मैंने एक 3 मिनट की यहाँ पे एक ट्रेड ली है यहाँ पे, और अपनी ये ट्रेड है ना अपनी एंट्री के नीचे क्लोज होगा मार्केट। ठीक है, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, भाई इस ट्रेड को विन हो जाने दो। ठीक है, जब तक अपन दूसरे पेयर्स में मार्केट को एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, देखो आपको हर एक ट्रेड को मैं एनालाइज करके बताता हूँ किस रीजन से मैंने यहाँ जो भी SNRs लेवल्स होते हैं उनको भी ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके, इसकी क्लोजिंग देखते हैं, क्योंकि देखो अभी मार्केट, ओके, 5, ठीक है ठीक है गाइस, मैं यहाँ से सोच रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ओके ठीक है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया, मैं डाउन के लिए 2 मिनट के लिए ट्रेड लिए, ये भी अपनी विन हो जाएगी। ठीक है, ओके, मैं दोनों का आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा किस रीजन से मैंने यहाँ पे डाउन के लिए लिए और दूसरे पेयर्स में भी डाउन के लिए रीजन ली, वो ओके, इसमें लिया अपन ने। ठीक है, इस पर भी डाउन के लिए क्यों लिया मैंने। ठीक है, विन हो जाने तो फिर आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी तो देखो मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपन कोशिश करते हैं, क्योंकि अपना भी देखते हैं कितना टाइम। ओके, यहाँ देखो टाइमिंग फ्रेम चल रहा है अभी मार्केट में, 2 मिनट बच रहे हैं अपनी ट्रेड को क्लोज होने में। ठीक है, इस दूसरी ट्रेड का भी टाइमिंग देखते हैं, सेम दोनों का टाइम एक ही है, एक ही टाइम पे दोनों क्लोज होगी। ठीक है, ओके ठीक है, तब तक अपन और भी थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो 5 मिनट के अंदर काफ़ी एकदम वेट पेशेंस लेके बैठा रहना पड़ता है, तो उसी रीजन से देखो अपन और जब तक मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं, क्या पता और कुछ एंट्री मिल जाए अच्छे। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, देखते हैं 11, ठीक है गाइस, मैं यहाँ से है ना, ओके ठीक है, डन। 3 मिनट के लिए आई थिंक, हाँ 3 मिनट के लिए मैंने डाउन के लिए एक ट्रेड लिया, और वो ट्रेड भी अपनी श्योर विन हो जाएगी। ठीक है, जब तक अपन जो पिछले ट्रेड्स अपने लिए उसका रिजल्ट देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, इसमें भी 2 मिनट्स अभी बाकी हैं इस ट्रेड के अंदर, और जो अपना इसमें अपन ने इसमें ली थी अभी। ठीक है, ओके ठीक है, इसका भी देखो अभी डीप विन चल रहा है इस ट्रेड का भी रिजल्ट, इसका भी देखो सेम वही 2 मिनट बाकी हैं इस ट्रेड को कंप्लीट होने में, ये ट्रेड भी अपनी श्योर विन हो जाएगी। और दूसरी जो अपन ने एक ली थी क्रिप्टो पे, आई थिंक वो अभी तो देखो थोड़ा लॉस में चल रही है। देखो मैंने कुछ एनालाइज किया था मार्केट का यहाँ पे, ठीक है, एक सेलर लेवल था मार्केट का यहाँ पे, ठीक है, मतलब रिवर्सल एरिया था, तो मार्केट एक बार जो लास्ट बायर्स का एरिया था वो नहीं, बायर्स एरिया से कैंडल बना बट वीक था, मैंने सोचा मैं यहाँ से नीचे क्लोज देना चाहिए, इस रीजन से मैंने एक डाउन के लिए ट्रेड ली यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं, लॉस भी हो जाएगा तो अपन नेक्स्ट ट्रेड को थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा के फिर ट्रेड लेने का कोशिश कर लेंगे, बट अपनी जो बाकी के 2 ट्रेड्स हैं वो पूरी डीप विंच हैं अभी। ठीक है, दोनों अपने प्रॉफिट देके जा रही हैं अपन को भी। ओके, इसमें देखो 30 सेकेंड बाकी हैं इस ट्रेड में। ओके ठीक है, ये भी अपनी देखो कंफर्म विन होगी, अभी भी इसमें 2 या 3 मिनट बाकी हैं इस ट्रेड को कंप्लीट होने में।
ठीक है। देखो ये अपन ने, देखो मैंने जो एनालाइज किया था, देखो मार्केट वापस नीचे आने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखो एनालाइज किया था मैंने 3 मिनट का, ठीक है। पर इसको विन हो जाना, तो फिर फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके ओके ठीक है गाइस। देखो अपनी दोनों ट्रेड्स अपन ने ली थी, वो दोनों कंप्लीट विन हो गई, ठीक है। तो देखो क्या रीजन देखा था मैंने यहाँ पे, अभी आपको बताया भी था, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझने का कोशिश करना। देखो पहले 1 मिनट की बताता था मैं, आज देखो मैंने 3 या 4 मिनट की ट्रेड का कोशिश कर रहा हूँ हर एक ट्रेड को लेने का, ठीक है। मैंने यहाँ से एक लेवल देखा मार्केट का, रिवर्सल एरिया, क्योंकि मार्केट जब जब अब जाने का कोशिश कर रहा था, यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बन रही है, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे भी देखो मार्केट ग्रीन बना, ग्रीन बनने के बाद एक रेड कैंडल बनी, वापस मार्केट अप गया। तो सेम यही सिचुएशन, मार्केट जब डाउन आ रहा है तो नीचे से ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। ये कैंडल स्ट्रांग होती है, जैसे ये एक लेवल मैंने बना के दिखाया था अभी आपको यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक हाँ यही था, थोड़ा एडजस्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो मार्केट में देखो एक बायर्स एक लेवल था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बनाया मार्केट ने, बाई कैंडल बनी, बाई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। इसकी आप शेडो देखो, वो ज़्यादा बड़ी है, बॉडी छोटी है। तो मैंने देखा मैं यहाँ जो अपना रिवर्सल एरिया है, यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए। बट आई थिंक अपन ने 3-4 मिनट की ट्रेड ली थी, तो पहला क्या किया मार्केट ने, इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस जाकर रिटेस्ट करके नीचे क्लोज हुआ अपनी एंट्री पे। तो इस रीज़न से अपनी ये ट्रेड विन हो गई, ठीक है। ओके अपन ने एक ट्रेड और ले रखी थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसका भी चल रहा है टाइमिंग, क्योंकि अभी हाँ इसका तो है कुछ, ठीक है। अभी 1-2 मिनट बाकी है इसकी, ये भी अपनी विन हो जाएगी, ठीक है। और ये अपन ने यहाँ पे ट्रेड ली थी आई थिंक, हाँ यहाँ पे ली थी डाउन के लिए ट्रेड, ठीक है। उसका भी देखो क्या रीजन था, कि मैं थोड़ा सा इसको ना जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ओके ठीक है गाइस, अब समझने का कोशिश करना। देखो थोड़ा सा ना जूम आउट करने पे आपको पता नहीं कैंडल दिख रही है नहीं दिख रही। देखो मैंने एक नीचे से सेलर एरिया ड्रॉ किया मार्केट का, ठीक है। यहाँ से सेम, ठीक है, जहाँ जहाँ ड्रॉ किया मतलब मार्केट यहाँ देखो इतना अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एक सेलर रिजेक्शन एरिया है मार्केट का, ये वाला ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ एरिया, इस एरिया को देखो रिजेक्शन एरिया, कि मार्केट रेस्पेक्ट देगा तो इस लेवल को देगा लास्ट, बट इसको देगा तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं मार्केट। देन मार्केट इसके ऊपर गया, तो मैंने एक 3 से 4 मिनट की एक ट्रेड ली डाउन के लिए, वो भी ट्रेड अपनी विन हो गई, ठीक है। सिंपल से एनालाइज थी, इस रीजन से मैंने यहाँ पे डाउन के लिए एक ट्रेड ली है, ठीक है। ओके अपन थर्ड अपनी ट्रेड थी, आई थिंक यहाँ पे लॉस हो गया मार्केट का, ठीक है। कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा अपन जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, देन अपन ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। आई थिंक देखो अपन ने 4 मिनट की ट्रेड ली थी, क्या पता उस रीजन से लॉस हो गया, क्योंकि अभी देखो लास्ट की 10 सेकंड बाकी है, अपनी एंट्री के नीचे भी क्लोज होता तो मार्केट विन हो सकता था। देखते हैं लास्ट की। ओके ठीक है, ठीक है गाइस, मैं एक डाउन के लिए एक ट्रेड लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं मार्केट। ओके ठीक है, मैंने 1 मिनट के लिए, फिर मैंने 1 के 2 मिनट के भी ट्रेड लिए, ठीक है। फिर एक मैं 3 मिनट की और भी ट्रेड लूंगा एक और, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं मार्केट। ओके थोड़ा सा और भी ऊपर चला जाए तो ओके ठीक है, ठीक है गाइस। मैंने 3 ट्रेड लिए हैं अपनी, तीनों ट्रेड अपनी विन हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। देखते जाना, क्योंकि देखो टाइमिंग का थोड़ा इश्यू है, कि 5 मिनट का मैंने ट्रेड तो ले रहा हूँ, 5 मिनट की तो ली नहीं अपन ने, बट अभी तक देखो 3 या 4 से मिनट की ट्रेड ली है अपन ने, तो अपनी जिसमें से 2 ट्रेड अपनी विन हुई है, 1 लॉस हुई है, बस ओनली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो आप भी देखो कोशिश कर सकते हो 3 से 4 मिनट का ट्रेड लेने का, 5 मिनट का मार्केट को एनालाइज करो, देन 3 से 4 मिनट की भी ट्रेड लोगे तो वो श्योर विन होगी। देखो फर्स्ट ट्रेड थी वो रिफंड देके गई अपन को, लॉस नहीं हुआ उसमें, ठीक है। अपनी अभी 2 ट्रेड और बाकी है मार्केट में, ठीक है। एक तो अपनी अब ये जो कंप्लीट होगा मार्केट उसका होगा, और एक नेक्स्ट 1 मिनट की ट्रेड और ली है अपन ने, टोटल एक तो 2 मिनट की, एक 3 मिनट की, ठीक है। ओके ठीक है गाइस, दोनों ट्रेड अपनी श्योर विन हो जाएगी वो वाली, ठीक है, जो भी मार्केट चल रहा है वहाँ पे। ओके
22nd और बाकी अपनी जो एक ट्रेड थी वो श्योर विन हो जाएगी यहाँ पे, फिर एक बाकी रहेगी वो भी अपनी पेंडिंग में, वो भी विन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने कुछ लेवल्स देखे थे बट आइडेंटिफाई नहीं किया मैंने, मतलब आइडेंटिफाई तो किया है बट ड्रॉ नहीं किया मार्केट में। अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्ट लेवल्स दिखेंगे मार्केट में, ठीक है? ओके ठीक है, अपनी जो सेकंड ट्रेड थी वो भी विन हो गई है, अपनी थर्ड ट्रेड है वो भी विन हो ही जाएगी श्योरली, ठीक है? ठीक है, देखते हैं इसका रिजल्ट। तब तक मैं आपको कुछ लेवल्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस रीजन से मैंने यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करके एक डाउन के लिए एक ट्रेड ली है, ठीक है? ओके, समझने का कोशिश करना। देखो मैंने यहाँ से, एक सेकंड थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट करता हूँ, ठीक है? यहाँ से देखना, समझने का कोशिश करना, ठीक है? मैंने देखो एक, मतलब आपको ड्रॉ तो अप करके दिखा रहा हूँ बट मैंने एनालाइज कर ली थी, मार्केट को एनालाइज कर लिया था पीछे से जाके। देन मैंने जैसे देखो मार्केट, एक सेकंड 14 सेकंड और बाकी है, फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी दिख नहीं रहा होगा आपको। ओके ठीक है, ये भी अपनी कंप्लीट विन हो गई, क्योंकि अपन ने देखो अभी तक एक क्लोज किया है, एक रिफंड किया है, बाकी की सारी ट्रेड अपनी विन हुई है, ठीक है? देखो यहाँ पे देखो आपको एग्जैक्ट अब समझ आ रहा होगा पूरा, ठीक है? देखो मैंने यहाँ से आई थिंक, हाँ यहाँ से टच करने की, मार्केट को यहाँ से टच किया जो इसका रिजेक्शन पॉइंट है मार्केट का, ठीक है? इसको टच किया, देन देखो मार्केट ये ग्रीन बनी है तो मार्केट का एक गैप फिल का ट्रेड था यहाँ पे, ठीक है? गैप को फुलफिल कर दिया मार्केट ने, अब मार्केट का ये लास्ट रिजेक्शन एरिया है, ठीक है? अब रिजेक्शन पे सेलर्स ही तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया नहीं यहाँ पे, तो मार्केट में रिजेक्ट, एक सेकंड मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया इस लाइन को, ठीक है? तो मार्केट देखो यहाँ पे आके जो गैप का था ना, मार्केट में गैप को फुलफिल कर दिया मार्केट ने, क्योंकि पहले नीचे है, नीचे जाके गैप था उसको फुलफिल करने के बाद अब मार्केट में सेलर्स ही आएंगे, तो अपन ने यहाँ से डाउन के लिए एक ट्रेड ले ली, आई थिंक था तीन ट्रेड ली थी, तो तीनों अपनी ट्रेड विन हो गई है, ठीक है? देखो गाइस सिंपल सी देखो एनालाइज होती है मार्केट में, आप 1 मिनट में करो या 5 मिनट में करो, बट आपके जो लेवल्स हैं ना वो इतना, मतलब जो एसएनआरस लेवल्स हैं वो एकदम करेक्ट होने चाहिए मार्केट में, कि लेवल्स को रेस्पेक्ट दे मार्केट, तभी आप विन कर सकते हो मार्केट में ना। अदरवाइज देखो आपके लेवल्स थोड़े से, मतलब अप डाउन होंगे ना, तो आपको मतलब लेवल्स भी डिफरेंट हो जाएगा और तुम कैंडल्स का भी पता नहीं लगेगा कि ब्रेकआउट दे रहा है या गैप विन हो रहा है, तो वो देखो समझने का कोशिश करो हर एक, मत जो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? दो मेरे जो मेरे ये ट्रेल लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है मार्केट में, देखो यहाँ से ड्रॉ किया था इसका, ठीक है? मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेलर एरिया है मार्केट का, ठीक है? देन जो इसका रिजेक्शन एरिया है ये वाला है अपसाइड वाला, कभी कभार मार्केट इसको भी ब्रेकआउट दे देता है बट इसको ब्रेकआउट नहीं देता ऊपर वाली ट्रेड लाइन को, तो दोनों ड्रॉ करके मार्केट को एनालाइज करने का कोशिश किया करो, तो बेटर रिजल्ट आएगा आपको देखने में, ठीक है? देखो वही सेम, देखो 5 मिनट में एनालाइज करता हूँ मैं, वही 1 मिनट के अंदर करता हूँ, बट 5 मिनट में देखो मैं ट्रेडिंग इसलिए नहीं करता कि काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है मार्केट में, एक 5 मिनट के ट्रेड लो तो बैठे रहो तब तक, तो इससे बेस्ट है कि मैं 1 मिनट में एनालाइज करता हूँ जितना हो पाता है जल्दी से जल्दी करने का, ठीक है? तो आपको देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप 1 मिनट में क्या करो, आप भी 5 मिनट में कोशिश क्या करो देखो ट्रेड, क्योंकि दो स्टार्टिंग का जो बिगनर्स लेवल्स होता है ना, देखो 1 मिनट के अंदर बहुत, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है मार्केट, ठीक है? एसएनआर को, लेवल को आइडेंटिफाई करने में बड़ी दिक्कत भी आती है मार्केट में 1 मिनट के अंदर, क्योंकि देखो 1 मिनट के अंदर 30 सेकेंड स्टार्टिंग की मिलती है, आपको उसमें ट्रेड लेना पड़ता है, ओनली 30 सेकेंड बचती है उसमें आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, विन होता है या लॉस होता है, तो आप 5 मिनट में ट्रेडिंग, 5 मिनट एनालाइज करो तो 2 से 3 4 5 जितना भी आपको बेस्ट लगे उसमें ट्रेड लेने का कोशिश करो, ठीक है? ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।